हेलो स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में आप लोग का फिर से स्वागत है। स्टूडेंट, आज बताएंगे आप लोगों को मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट में यहाँ पर जो भी कंटेंट लिखे हैं स्टूडेंट, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रॉब्लम आपको 100% श्योर है देखने को मिलेगा। यदि मैग्नेटिक सर्किट में प्रॉब्लम आएगा तो इस कंटेंट में से ही आपका क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट समझ चुके हैं स्टूडेंट, अब मैग्नेटिक सर्किट समझेंगे कि जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट फ्लो करता है, उसी तरह मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, फ्लक्स फ्लो करता है। ठीक है, जैसे आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस होता है स्टूडेंट, उसी तरह मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, रिलक्टेंस होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, दोनों को एक साथ कंपेरिजन स्टडी करके समझेंगे तो बेहतरीन होगा कि हम क्या करें, ईजी तरीका से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं स्टूडेंट और याद भी रख सकते हैं। तो चलो स्टूडेंट, अब देखते हैं मैग्नेटिक सर्किट। तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये यदि डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा स्टूडेंट, तो आप हद तक यहाँ का प्रॉब्लम को आप हैंडल कर लोगे। चलो आप देखो, मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिकल सर्किट में बेसिक डिफरेंस क्या है स्टूडेंट। द क्लोज पाथ फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स, यदि कोई क्लोज पाथ में आपका मैग्नेटिक फ्लक्स बह रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट, मैग्नेटिक सर्किट बोलेंगे। और यदि कोई क्लोज पाथ है उसमें आपका इलेक्ट्रिकल करंट बह रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिकल सर्किट बोलेंगे। तो बेसिकली आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट कि मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, फ्लक्स फ्लो करता है, और इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या करता है, करंट फ्लो करता है। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक सर्किट में यदि फ्लक्स होगा तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होगा, करंट होगा। इसका मतलब फ्लक्स का एनालॉगस क्या होगा, करंट होगा। फ्लक्स आपका मैग्नेटिक सर्किट में प्रोड्यूस होगा और करंट आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। दोनों चीज को आपको याद रखना स्टूडेंट। इसका मतलब आपसे पूछेगा कि आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, तो आपको बोला वेबर। वेबर आपका क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है, यूनिट होता है, और करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, स्टडी करेंगे इसके बारे में। चलो मैग्नेटिक सर्किट, अब देखो मैग्नेटिक सर्किट किसको बोलेंगे, क्लोज पाथ फॉर ए मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड ए मैग्नेटिक सर्किट। यदि कोई आपका क्लोज पाथ है उसमें आपका मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट, मैग्नेटिक सर्किट बोलेंगे। ये आपका पहला नंबर पॉइंट है। चलो, क्लोज पाथ फॉर ए इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड ए इलेक्ट्रिकल सर्किट। क्लोज पाथ फॉर ए इलेक्ट्रिकल करंट, कोई क्लोज पाथ है उसमें इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल सर्किट बोलेंगे। इसका मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होगा, करंट होगा, तो मैग्नेटिक सर्किट में क्या होगा, आपका फ्लक्स होगा। दोनों चीज को आपको कंपेरिजन स्टडी करके समझना है। अब देखो स्टूडेंट, दो नंबर पॉइंट को देखो, यदि आपका मैग्नेटिक सर्किट है तो आपका क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को जो सूचित करेंगे वो आपका क्या होगा, फाई होगा। और इसका यूनिट जो होगा स्टूडेंट, यूनिट आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, तो आपको बोलना वेबर। क्या होता है, वेबर। वेबर आपका क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है, यूनिट होता है। चलो स्टूडेंट, आपका पूछेगा कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट का यूनिट क्या होता है, तो करंट को आई से सूचित करते हैं, करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। जैसे आपका मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है स्टूडेंट, मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है, उसी तरह इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। तो इसमें आपका क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को ईएमएफ से सूचित करेंगे और मैग्नेटोमोटिव फोर्स को एमएफ से सूचित करेंगे। इसका मतलब है एमएफ का एनालॉगस क्या होगा, ईएमएफ होगा। एमएफ का जो आपका यूनिट होगा स्टूडेंट, एम्पियर टर्न्स होगा। क्या होगा, एम्पियर टर्न्स होगा। इसका मतलब एमएफ का जो आपका होगा, एन इंटू आई होगा इसका फॉर्मूला होगा। इसका मतलब स्टूडेंट, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट क्या होगा, वोल्ट होगा, और मैग्नेटोमोटिव फोर्स का यूनिट क्या होगा, एम्पियर टर्न्स होगा। ये आपको क्या करना है, याद रखना। चलो स्टूडेंट, आगे की ओर चलते हैं, आगे का कंटेंट को देखते हैं। एमएफ, एमएफ इक्वल टू क्या होता है, फाई इंटू क्या होता है, एक्स होता है। फाई इंटू क्या होता है, एस होता है। एमएफ इज इक्वल टू फ्लक्स इंटू क्या होता है, रिलेक्टेंस होता है। जैसे आपका ईएमएफ इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, आईआर होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है, उसकी प्रकार मैग्नेटोमोटिव फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फ्लक्स इंटू क्या होता है, रिलेक्टेंस होता है। इसका मतलब यहां पर आई होगा तो यहां पर क्या होगा, फ्लक्स होगा। यहां पर रेजिस्टेंस होगा तो यहां पर क्या होगा, रिलेक्टेंस होगा। इसका मतलब है फ्लक्स का एनालॉगस क्या होगा, करंट होगा इलेक्ट्रिकल सर्किट में, और आपका रिलेक्टेंस का एनालॉगस इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। याद रखना, फॉर्मूला को भी याद रखना, प्रॉब्लम पूछा जा सकता है। एम एफ इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, फ्लक्स इंटू क्या होगा, रिलेक्टेंस होगा। यहां से यदि आपका दो वैल्यू दिया जाएगा स्टूडेंट,
तीसरा वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा, तो इस फॉर्मूले से हम लोग क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। एमएफ बटा फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होगा, रिलेक्टेंस होगा। रिलेक्टेंस को हम लोग एस से सूचित करते हैं। इसका मतलब रिलेक्टेंस का जो यूनिट होगा स्टूडेंट, एमएफ का स्टूडेंट यूनिट होता है एम्पियर टर्न, और फ्लक्स का यूनिट क्या होगा, वेबर होगा। तो रिलेक्टेंस का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, एम्पियर टर्न पर क्या होगा, वेबर होगा। बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलो स्टूडेंट, ईएमएफ इक्वल टू क्या होगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस होगा। तो ईएमएफ बटा करंट इक्वल टू क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो आपको यदि ईएमएफ और करंट दिया जाए, रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालने के लिए बोले, तो इस फॉर्मूले से क्या करेंगे, निकाल लेंगे। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होगा स्टूडेंट, ओम होगा। ये क्या करता है, ये आपका करंट को अपोज करता है, और रिलेक्टेंस क्या करता है, फ्लक्स को क्या करता है, अपोज करता है। ये आपसे पूछेगा कि रिलेक्टेंस का क्या काम है, रिलेक्टेंस क्या करता है, फ्लक्स को अपोज करता है। इसका मतलब फ्लक्स ज्यादा होगा तो आपका रिलेक्टेंस क्या होगा, कम होगा, और यदि आपका रिलेक्टेंस ज्यादा होगा तो फ्लक्स क्या होगा, कम होगा। एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे आपका रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट का अपोज करता है, उसी तरह रिलेक्टेंस क्या करता है, फ्लक्स का अपोज करता है। चलो आगे की ओर चलते हैं। रिलेक्टेंस का यूनिट क्या होता है, एम्पियर टर्न पर वेबर होता है। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। यूनिट पर भी फोकस करना है, एग्जाम में पूछा जाता है। चलो स्टूडेंट, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। रो का मतलब होता है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है। इसका मतलब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा स्टूडेंट, आर इक्वल टू वन बाई कंडक्टिविटी एल बाई क्या होगा, ए होगा। इसका मतलब एल बटा कंडक्टिविटी गुना एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। या तो आर इक्वल टू रो एल बटा क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। ये दोनों फॉर्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां पर कंडक्टिविटी होता है स्टूडेंट, इसमें आपका क्या होगा, परमीएबिलिटी होगा। रिलेक्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, तो रिलेक्टेंस का फॉर्मूला यहां पर एल है, यहां पर एल होगा। यहां पर आपका कंडक्टिविटी है, यहां पर क्या होगा, परमीएबिलिटी होगा। यहां पर एरिया, यहां पर एरिया होगा। मतलब ये फॉर्मूला याद रहेगा तो ये आपका फॉर्मूला याद हो जाएगा। इसका मतलब है ये आपका क्या है स्टूडेंट, कंडक्टिविटी है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंडक्टिविटी होता है तो आपका मैग्नेटिक सर्किट में क्या होगा, परमीएबिलिटी होगा। क्या होगा, परमीएबिलिटी होगा। इसका मतलब S इक्वल टू L बटा म्यू को ब्रेक करेंगे तो म्यू नॉट इनटू क्या होगा, म्यू आर होगा, और इनटू क्या होगा, ए होगा। ये बोलता है एब्सोल्यूट परमीएबिलिटी। इसका वैल्यू जो होता है स्टूडेंट, म्यू नॉट का 4 पाई गुना 10 के पावर माइनस 7 हेनरी पर मीटर होता है। म्यू आर का वैल्यू एयर मीडियम में क्या होता है, 1 होता है। अनदर मीडियम में इसका वैल्यू क्या होता है, वेरी करता है। इसका मतलब रिलेक्टेंस इज इक्वल टू L बटा म्यू नॉट म्यू आर इनटू क्या होगा, ए होगा। ये फॉर्मूला आपका बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां से आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, रिलेक्टेंस का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा। तो ये फॉर्मूला पता रहेगा तो आप निकाल सकते हो। चलो परमेंस, परमेंस इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, 1 बाई रिलेक्टेंस होता है। इसका रिसिप्रोकल जो होगा वो क्या होगा, परमेंस होगा। परमेंस इज इक्वल टू 1 बाई एस होगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा स्टूडेंट, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो परमेंस इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर ए बटा क्या होगा, एल होगा। ये भी आपका क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा स्टूडेंट परमेंस का यूनिट क्या होता है, तो आपका जो रिलेक्टेंस का जो यूनिट होता है उसका उल्टा होगा। इसका मतलब रिलेक्टेंस का यूनिट एम्पियर टर्न पर वेबर होता है, तो परमेंस का जो यूनिट होगा, परमेंस का जो यूनिट होगा स्टूडेंट, वेबर पर, वेबर पर, वेबर पर एम्पियर टर्न्स होगा। इसको आपको क्या करना है, याद रखना है कि परमेंस का यूनिट क्या होगा, तो वेबर पर एम्पियर टर्न्स होगा। इसका फॉर्मूला ये होगा। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, परमीएबिलिटी होता है, तो इसमें क्या होगा, कंडक्टिविटी होगा। इसमें क्या होगा, कंडक्टिविटी होगा। इसमें क्या होगा, परमीएबिलिटी होगा। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, ये आपका क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इक्वल टू 1 बाय रेजिस्टिविटी होता है। तो कंडक्टिविटी का यूनिट जो होगा ओम इनवर्स, और क्या होगा, मीटर इनवर्स होगा। या तो बोल सकते हैं मो पर मीटर, या तो साइमन पर मीटर। आपसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा कि कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है, तो आपको बोलना है ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, मो पर मीटर, साइमन पर मीटर। ये आपको याद रखना। रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा, तो रेजिस्टिविटी का यूनिट होगा स्टूडेंट ओम इनटू क्या होगा, मीटर होगा। चलो अब आगे की ओर चलते हैं। आगे का चलते हैं कि इसमें क्या होता है स्टूडेंट, फ्लक्स डेंसिटी होता है। इसमें क्या होता है, फ्लक्स डेंसिटी होता है। तो फ्लक्स डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया में कितना अमाउंट ऑफ फ्लक्स पास कर रहा, उसी को क्या बोलेंगे, फ्लक्स डेंसिटी बोलेंगे। इसमें आपका फ्लक्स डेंसिटी होगा स्टूडेंट, यहां पर क्या होगा, करंट डेंसिटी होगा। तो इसमें पर यूनिट एरिया में कितना अमाउंट ऑफ करंट पास करेगा, उसको क्या बोलेंगे, करंट डेंसिटी बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, फ्लक्स डेंसिटी बोलेंगे। तो मैग्नेटिक सर्किट में आपका फ्लक्स डेंसिटी होता है, और इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होता है, करंट डेंसिटी होता है। तो करंट डेंसिटी का जो यूनिट होगा स्टूडेंट, एम्पियर पर मीटर
स्क्वायर होगा, ये बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। आप देखो फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स पर यूनिट एरिया इन्होंने क्या बोलेंगे, फ्लक्स डेंसिटी बोलेंगे। तो फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट याद रखना वेबर पर मीटर स्क्वायर, या तो क्या होगा स्टूडेंट टेस्ला होगा, या तो क्या होगा टेस्ला होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस यूनिट को क्या करना है याद रखना है। चलो आप देखो स्टूडेंट इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है रिलेक्टिविटी होता है, रिलेक्टिविटी होता है, और उसमें क्या होता है रेजिस्टिविटी होता है। इसमें जो होगा आपका स्टूडेंट मैग्नेटिक सर्किट में क्या होगा रिलेक्टिविटी होगा, और आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होगा रेजिस्टिविटी होगा। तो ये दोनों एक दूसरे का क्या है एनालॉगस है, इसमें रेजिस्टिविटी होता है, इसमें क्या होता है रिलेक्टिविटी होता है। रिलेक्टिविटी शो करेगा स्टूडेंट कि वह कितना अमाउंट ऑफ फ्लक्स को क्या करेगा अपोज करेगा, जिसका रिलेक्टिविटी ज्यादा होगा वो ज्यादा अमाउंट ऑफ फ्लक्स को क्या करेगा अपोज करेगा, जिसका रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा वो ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट को क्या करेगा स्टूडेंट अपोज करेगा। इसका मतलब फ्लक्स को अपोज करने का काम किसका है रिलेक्टिविटी का है, जिस मटेरियल का रिलेक्टिविटी ज्यादा होगा वो ज्यादा फ्लक्स को क्या करेगा अपोज करेगा, और जिस मटेरियल का रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा वो क्या करेगा ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट को क्या करेगा अपोज करेगा। तो ये आपका क्या है नौ नंबर पॉइंट है। अब देखो स्टूडेंट H का मतलब क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट Ni बाय क्या होता है L होता है, Ni बाय क्या होता है L होता है, MF बटा क्या होता है लेंथ होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी Ni बटा क्या होता है L होता है, इसका ये फॉर्मूला है, इसको आपको क्या करना याद रखना है। इसका यूनिट होगा एम्पियर टर्न पर मीटर होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का जो यूनिट होगा स्टूडेंट एम्पियर टर्न पर मीटर होगा, इसको क्या बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको क्या बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। भी बटा क्या होगा डी होगा, भी का मतलब होता है वोल्ट और डी का मतलब क्या होता है मीटर। इसका मतलब होगा इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको क्या बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट होगा एम्पियर टर्न पर मीटर, या तो टर्न्स यदि 1 होगा तो आपका क्या होगा एम्पियर पर मीटर होगा, और इसमें आपका क्या होगा वोल्ट पर मीटर होगा। यह आपको क्या करना है ये कंटेंट को रेडी कर लेना है, यह आपका पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक बार फिर से रिवीजन मारते हैं स्टूडेंट, मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होता है करंट होता है, इसमें आपका क्या होगा ईएमएफ होगा, इसमें क्या होगा ईएमएफ होगा, ईएमएफ का यूनिट होता है स्टूडेंट एम्पियर टर्न, ईएमएफ का यूनिट होता है वोल्ट। आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है स्टूडेंट, ईएमएफ इक्वल टू फाई इंटू एस होता है, फाई मतलब फ्लक्स, एस मतलब रिलक्टेंस होता है। इसमें से 3 पैरामीटर में से 2 पैरामीटर दिया जाए, 1 पैरामीटर का वैल्यू निकाल सकते हैं। ईएमएफ इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है, यहां से हम लोग एक भी 2 पैरामीटर दिया जाए 3 पैरामीटर का वैल्यू निकालने के बोले याद कर सकते हैं। इसमें आपका रिलेक्टेंस होता है, इसमें आपका रेजिस्टेंस होता है, रिलेक्टेंस का यूनिट एम्पियर टर्न पर वेवर होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, रिलेक्टेंस का फॉर्मूला एल बटा म्यू इंटू ए होता है, इसमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला एल बटा कंडक्टिविटी गुना क्या होता है ए होता है। इसमें आपका स्टूडेंट क्या होगा परमेंस होगा, इसमें क्या होगा कंडक्टेंस होगा। परमेंस और कंडक्टेंस एक दूसरे का क्या है एनालॉगस है, इसमें परमेबिलिटी होता है, इसमें कंडक्टिविटी होता है। परमिबिलिटी का आपका यूनिट जो होगा स्टूडेंट हेनरी पर मीटर होगा, कंडक्टिविटी का जो यूनिट होगा ओम इनवर्स पर मीटर इनवर्स होगा, इसको याद रखिएगा। इसमें फ्लक्स डेंसिटी होगा, इसमें करंट डेंसिटी होगा, फ्लक्स डेंसिटी का फॉर्मूला जो होगा फाई बटा ए होगा, इसका यूनिट जो होगा यूवर पर मीटर स्क्वायर या तो टेस्ला होगा, करंट डेंसिटी का जो फॉर्मूला होगा आई बटा ए होगा, इसको फॉर्मूला में लिखेंगे तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होगा। इसमें रिलेक्टिविटी होता है, इसमें रेजिस्टिविटी होता है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होगा स्टूडेंट एन आई बटा L होगा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होगा भी बटा क्या होगा डी होगा, भी आपका वोल्ट होगा, डी आपका क्या होगा डिस्टेंस, उसको क्या मेजर करेंगे मीटर से मेजर करेंगे। तो यहां से लेके यहां तक आपका बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपका क्या करना है इस कंपैरिजन स्टडी को आपको याद रखना है, तो आप बेहतरीन तरीका से क्या कर सकते हो प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हो। यूनिट के साथ फॉर्मूला को क्या करना है याद रखना है, और इसका एनालॉगस को क्या करना है याद रखना है। जैसे आपका इसमें फ्लक्स होगा तो इसमें करंट होगा, इसमें एमएफ होगा तो इसमें क्या होगा ईएमएफ होगा, इसमें आपका रिलक्टेंस होगा तो इसमें रेजिस्टेंस होगा, इसमें आपका परमेंस होगा तो इसमें आपका कंडक्टेंस होगा, इसमें परमिबिलिटी होगा तो इसमें क्या होगा कंडक्टिविटी होगा, इसमें फ्लक्स डेंसिटी होगा तो इसमें करंट डेंसिटी होगा, इसमें रिलेक्टिविटी होगा तो इसमें रेजिस्टिविटी होगा, इसमें आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा तो इसमें क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा। इतना चीज को याद रखना। चलो स्टूडेंट आप देखो मैग्नेटिक सर्किट का कनेक्शन यदि सीरीज में कनेक्टेड हो स्टूडेंट, यदि
बहुत सारा रिलेक्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हो, तो जिस तरह रेजिस्टेंस आपका सीरीज में एडिशन होता है, उसी तरह रिलेक्टेंस भी क्या होगा, आपका सीरीज में क्या होगा, एडिशन होगा। तो यहां पर तीन गो मेटेरियल है स्टूडेंट, ये आपका एक मेटेरियल है, ये आपका अनदर मेटेरियल है, ये आपका अनदर मेटेरियल है, और सभी मेटेरियल का अलग अलग लेंथ है, अलग अलग एरिया है, अलग अलग क्या है, परमिबिलिटी है। तो हम लोग क्या करेंगे, सभी का इंडिविजुअल निकाल के क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, सीरीज मैग्नेटिक सर्किट का पूरा रिलेक्टेंस का फॉर्मूला निकल जाएगा। चलो ये आपका तीन पार्ट में ब्रेक हुआ, S1, ये आपका S2, ये आपका क्या हो गया S3, और ये आपका दोनों के बीच में क्या है, एयर गैप है। तो उस गैपिंग का जो लेंथ है LG है, और आपका AG होगा इसका एरिया, स्मॉल एरिया होगा और स्मॉल लेंथ होगा। इस सर्किट का रिलेक्टेंस निकालने के लिए बोलेगा, तो S इक्वल टू S1, S2, S3, SG होगा। चलो S का फॉर्मूला क्या होता है, L बटा म्यू नॉट म्यू आर A होता है, और इससे हम लोग क्या करेंगे, आगे की ओर इसको डिराइव करेंगे, तो S इक्वल टू S1, S2, S3, SG होगा। तो S1, S1 का जो लेंथ है स्टूडेंट, ये आपका L1 है, L1 हो जाएगा, इसका कंडक्ट, इसका परमिबिलिटी म्यू1 है, और इसका एरिया क्या है, A1 है, इसका आपका L2 बटा म्यू2 इनटू क्या होगा, A2 होगा, इसका आपका क्या हो जाएगा, L3 बटा म्यू3 A3 हो जाएगा, और इसका जो होगा स्टूडेंट, इसका LG बटा म्यू नॉट, और म्यू आर एयर मीडियम में म्यू आर का वैल्यू 1 होता है, तो म्यू आर का वैल्यू 1 रखें, इसके लिए म्यू नॉट और क्या होगा, AG होगा। चलो आगे क्यों चलते हैं, S इक्वल टू L1 बटा म्यू को ब्रेक करेंगे तो म्यू नॉट म्यू आर 1 A1 होगा, इसमें आपका L2 होगा, म्यू2 इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर 2 होगा, क्योंकि म्यू नॉट सभी केस में क्या होगा, बराबर होगा। अब देखो L3 बटा म्यू नॉट म्यू आर 3 A3 होगा, और इसमें क्या होगा, LG बटा म्यू नॉट और AG होगा, एयर गैप में म्यू आर का वैल्यू 1 होता है। ये आपका टोटल रिलेक्टेंस इस तरह इस फॉर्मूला में निकल जाएगा। यदि ये फॉर्मूला याद रखेगा तो टोटल रिलेक्टेंस निकालने के लिए बोलेगा इस मैग्नेटिक सीरीज सर्किट में, तो इस फॉर्मूले से हम लोग क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। अब देखो स्टूडेंट, इस सर्किट का यदि मैग्नेटोमोटिव फोर्स निकालने के लिए बोले तो फ्लक्स गुना क्या होगा, रिलेक्टेंस होगा, रिलेक्टेंस यहां से निकाल लेंगे और इसको फ्लक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, मैग्नेटोमोटिव फोर्स निकल जाएगा इस टोटल सर्किट का। इसका मतलब है कि फाई और रिलेक्टेंस, रिलेक्टेंस का वैल्यू को पुट करेंगे, फाई से सबको गुना करेंगे, तो ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा स्टूडेंट। देखो L1 फाई, L2 फाई, L3 फाई, LG फाई, और नीचे वाला टर्म सब बराबर होगा। अब देखो यदि इसको मैग्नेटिक मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के तौर में लिखे तो फाई बटा एरिया क्या होता है, फ्लक्स डेंसिटी होता है। तो हम लोग इस फॉर्मूले को मॉडिफाइड करके लिख सकते हैं L1 B1 बटा म्यू नॉट म्यू आर 1, क्योंकि फाई बटा ए1 जो होगा वो आपका फ्लक्स डेंसिटी होगा B1, ये आपका B2 हो जाएगा, ये आपका B3 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, BG हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट एक चीज देखो, B1 बटा म्यू नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, H1 होता है, H होता है। इसका मतलब मैग्नेटोमोटिव फोर्स इस फॉर्मूले को यदि हम लोग फिर से ब्रेक करेंगे तो आपका ये वाला जो पूरा पार्ट है ये आपका H1 हो जाएगा, H1 गुना L1 हो जाएगा, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका H2, और गुना क्या हो जाएगा L2 हो जाएगा, और ये पार्ट जो हो जाएगा स्टूडेंट ये आपका क्या हो जाएगा H3, गुना क्या हो जाएगा L3 हो जाएगा, और ये जो पार्ट है स्टूडेंट ये जो पार्ट आपका ये आपका क्या हो जाएगा HG, गुना क्या हो जाएगा LG हो जाएगा। इसका मतलब ये आपका रिजल्टिंग मैग्नेटोमोटिव फोर्स निकालने के लिए बोले, और यदि सर्किट का फील्ड स्ट्रेंथ दिया गया है, लेंथ दिया गया है, तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मतलब टोटल रिलेक्टेंस निकालना होगा तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे, मैग्नेटोमोटिव फोर्स निकालना होगा तो फ्लक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल रिलेक्टेंस को, तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स निकल जाएगा। और यदि इसका आगे का वर्सन को निकालने के लिए बोलेगा, यदि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी दिया जाएगा और आपका एमएफ निकालने के लिए बोलेगा, तो इस फॉर्मूले से क्या कर लेंगे स्टूडेंट, याद कर लेंगे, निकाल लेंगे प्रॉब्लम को। इसका मतलब ये आपका सीरीज मैग्नेटिक सर्किट है, बेहद इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला को याद रखना, दो चार बार रिवीजन करना है। इस पॉइंट से आपका प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत ज्यादा है, इसीलिए फॉर्मूला को लिखा दिए। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इसका प्रॉब्लम को डिस्कशन करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब है मैग्नेटिक सर्किट का ये बेहद इंपॉर्टेंट क्लास था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंटेंट को रेडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना होगा। यदि आप इसको याद रख सकते हो तो यहां से प्रॉब्लम आएगा तो आप आराम से क्या कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो, यहां से एक नंबर या दो नंबर का प्रॉब्लम इजीली वे में पूछा जाता है, तो आप आराम से क्या करोगे, उस प्रॉब्लम को हैंडल कर लोगे। तो थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो को एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए आए तो चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब कर लेना है। ये आपका मैग्नेटिक सर्किट का वीडियो नंबर 1 था। नेक्स्ट वीडियो में इस कंटेंट का जितने कंटेंट बताएं, जितने फॉर्मूला बताए, जितने कॉन्सेप्ट बताए, इस कॉन्सेप्ट पर क्या करेंगे स्टूडेंट, प्रॉब्लम डिस्कशन करेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो को एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए आए तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना। वंदे मातरम स्टूडेंट।